नमस्कार दोस्तों, हिंदी में सीखे गए यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास तिवारी। आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे क्या होगा कि आप अपने जो जितने भी हैं मोबाइल में आइकन देखते हैं उन सबको हाइड कर सकते हैं। जैसे कि वाईफाई हुआ, नेटवर्क हुआ, सिम हुआ, बैटरी हुआ, जो भी आपके जो ऊपर मोबाइल के जो सबसे हेड में आइकन आते हैं वो सारे के सारे आप हाइड कर सकते हैं। और इनकी हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जैसे कि हम ऑफिस में, स्कूल में या किसी ऐसे फ्रेंड के या ऊपर वाईफाई चला रहते हैं तो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम अगर उसका वाईफाई जो यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में उसे पता ना चले। अगर हमें उसके पासवर्ड वगैरह ये पता चल चुके हैं या फिर आप कहीं पे भी ऐसी जगह नेटवर्क चला रहे हैं, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और मान लीजिए फ्री ओपन वाईफाई है, लेकिन आपको उसे यूज़ तो करना है लेकिन किसी को पता नहीं चले कि आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, आप आइकन को हाइड कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका आइकन शो नहीं होगा वहाँ पे कि आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है या नहीं। और आप चाहें जब उसने अगर आपसे किसी ने मोबाइल ले लिया या आपको मोबाइल कोई देखना चाहे तो उसको आइकन नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये है कि वह डिस्कनेक्ट है। तो आप जानना चाहते हैं कि अगर आप अपने मोबाइल के जो वाईफाई का आइकन को कैसे छुपा सकते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर क्लिक करके इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस घंटी के निशान पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप मेरे जो आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना होगा। मैं अपने मोबाइल में आपको यूज़ करके इसे ऐप्स को बताता हूँ। आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा और एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है, देखिए यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लीन स्टेटस बार। तो क्लीन स्टेटस बार, इसका आइकॉन अच्छे ढंग से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका यहाँ पर इसका आइकॉन दिख रहा है। आप मैंने इसे इंस्टॉल पहले से कर रखी है, आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इसे ओपन करने से पहले मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ देखिए, ये मेरे सारे के सारे जो आइकॉन है वो यहाँ पर मोबाइल के आइकॉन सारे के सारे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये है वाईफाई का, ये है घड़ी, अलार्म घड़ी का, यहाँ पर देखिए ये पर वॉइस चालू है, मैंने डाउनलोड कर रखा है, और ये बैटरी, समय, सब कुछ यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं ये सब के सब अभी हाइड कर दूंगा। तो जैसे आप ऐप्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक पेज आएगा। तो यहाँ पर सारी की सारी जो भी आपके जो स्टेटस बार में जो आपके चल रही है ऐप्स, वो सारी की सारी यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए मेरा यहाँ पर ये लोलीपॉप नाम का वर्जन है, यहाँ पूरा इसने आप मोबाइल का भी बता दिया है, जैसे एम लाइट मोड, आप जो भी यहाँ पर आपके डिस्प्ले में चल रहा है उन सबको हाइड कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड में ना वाइट कलर का, आप भी बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ पर इसे बैकग्राउंड को वाइट कलर का दीजिएगा, या फिर आप एड कलर कोई सा करना चाहे तो दीजिएगा। वाइट कलर से क्या होगा कि आपको अधिकतर यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आएगा, अगर आप कोई और कलर देते हैं तो फिर क्या है कि उसमें पीछे आपको अलग सा बेकार लगेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ब्लैक कलर कर लिया मैंने यहाँ पर, फिलहाल अभी मैं वाइट कलर से आपको बताता हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ पर है वाईफाई आइकन, तो मैं इस वाईफाई आइकन को सिलेक्ट करके ऑन कर लेता। अब देखिए यहाँ पर जो मेन काम हमें करना है वही यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपको एक ये गोला सा निशान आ रहा होगा, तो इसको आपको एक बार ऑन करना है। देखिए यहाँ पर पूरा आइकन हमारा जो है वो वाइट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप कलर को यहाँ पर से चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पर से कलर किसी और कलर में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे जिस प्रकार का कलर हो। लेकिन किसी और कलर में करेंगे तो दोस्तों आपको क्या है कि जैसे आप इसमें से जो फ्लैश लाइट है वो पीछे से उसकी थोड़ी सी नज़र आएगा कि यहाँ पर वाईफाई है तो नहीं, लेकिन आइकन तो छुप चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो बैटरी की चमक वो थोड़ी बहुत नज़र आती रहती है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमेशा वाइट बैकग्राउंड ही चूज़ करना होगा। वाइट बैकग्राउंड से क्या होगा कि यहाँ पर ये पूरा जो है आपका आइकन छुप चुका है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ओपन आगे फ्रंट में लाके दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए मेरा मोबाइल पर अगर कोई भी ऐप से चालू है ओपन है, वाईफाई मेरा इस समय ओपन है, लेकिन अब किसी को भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से आपके अपने मोबाइल के आइकन को छुपा सकते हैं और ओपन वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं बिना किसी को पता चले। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, और आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों।